आए तो भागे शहर, वहां से तू वहां जाए मेरे फंदे में। आज जिंदा तुझे साले, अबे छोड़ू नहीं, एक साथ भेजूंगा मुल्के। क्या समझते अपने आप को, साले तेरी कहानी को खत्म कर देंगे। सबसे पहले ये बता, मेरे घर में तू कैसे आया, क्यों आया? तेरा घर है बे? हाँ, मेरा ये तेरा घर है, ये घर मेरा है, तेरा घर है? या मैं रहूंगा? हाँ हाँ मेरा है। ये बता कैसे तेरा घर है, क्या सबूत है तेरे पास? तुझे कुछ मालूम है? नहीं मालूम है। अब तेरे बाप को मारने वाला कोई और नहीं, तेरा बड़ा भाई ज्ञान चंदवा है। और मेरी पत्नी को मारने वाला कोई और नहीं, तेरा भाई गुलाबवा है। पुलिस आए तो उसकी तलाश कर रही थी, पुलिस ना पाने के कारण ये तेरा घर नीलाम हो गया था। मैंने 5,00,000 रुपए देकर के सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लिया। झूठ बोलता है तू? मैं झूठ बोल रहा हूँ? सबूत दिखा पहले। मेरे पास सबूत है। तुम्हारे पास क्या है? अभी मैं सबूत दिखा रहा हूं। बेवकूफ समझता है, देख ये कागजात मुझे मिला है कोर्ट से। चाचा जी मैं नहीं जानता था, चाचा जी मुझसे गलती हो गई। चाचा जी ये तो अच्छा हुआ, घर की बात घर में ही रह गई। चाचा जी आपने बहुत अच्छा काम किया, जो ये घर आपने खरीद करके बचा लिया, नहीं तो कोई दूसरा लेता तो बड़ी बदनामी होती चाचा जी। अब है गोविंदवान, हम तेरी भाव जाएगा कुछ नहीं कह रहे थे, मैं ये कह रहा था देख मेरे घर में रहो, मेरे घर में रहो, लेकिन तुम्हें रहना किस तरीके से होगा? मेरे घर में रहो, मेरी रखेल बन के रहो, कल मेरी प्रॉपर्टी में तेरा गुजारा होगा। हे हरामखोर कमीना, ऊंची आवाज से लगाया सारे उतंग सारा जूता मारना शुरू कर दूंगा। हरामजादे मेरे घर में खड़े हो और मुझे सारे ऊंची आवाज दिखा रहे हो? जबान संभाल के बात कर वरना तेरी जबान खींच लूंगा मैं। सबसे पहले कपड़े उतार सारे, ये तेरे बाप का घर नहीं है, ये गणेश राय खुराना का घर है। कपड़े उतार और यहाँ से दफा हो जान, अगर साले आज के बाद हाथ दिखाई दिए याद रखो उठाऊंगा साले हंटर, मारते मारते चमड़िया साले काली कर दूंगा। साले कपड़ा। चाचा जी कोई बात नहीं, अगर आपने ये घर खरीद लिया है तो मैं ये घर छोड़ करके जा रहा हूं, लेकिन चाचा जी मैं भी तो आपका बेटा हूँ, कुछ तरस खाओ चाचा जी मुझ पे, तरस खाओ। हम तो उसका बना बेटा मार रहे थे, मानते थे, लेकिन तू साले दोनों आंखें दिखा रहा है मुझे, डांट रहा है, बोल रहा है ये मैं आता है सलाई मगाऊं तेरे साथ दोनों आंखें फोड़ दूं। हरामी का औलाद, कपड़े उतार, यहां दफा हो जा। काहे होई गई रात ना, काहे होई गई रात ना, कठोर चाचा जी तोड़ दिहला सनेहिया, चाचा जी चाचा।
हमारे बेनाम बादशाह, बेनाम बादशाह भैया की तरफ से इस सीन को देखते हुए 11 रुपए का पुरस्कार, आशीर्वाद के कामना बाद धन्यवाद। अब हम शुभ दरबार चाचा, किसने दिया पैसा? वे नाम नहीं बताया, साले पैसा दोबारा साले गया पैसे के लिए। जो हाल मैं कर रहा हूँ गोविंद की, यही हाल साल मैं तेरा करूंगा। ये आगे बेनाम बादशाह भैया की तरफ से 11 रुपया पुरस्कार, और उनका कहना है कि अगर जाता है एकर घर छोड़ के तो चला जाए, लेकिन भौजी के लिए आए के जाए, नहीं सार खुश रे। क्या रे सुबेदार बा, जब साल हम तुमको मना किए थे कि 5 साल लेने मत जाना, या साले पैसा शायद दोबारा के साले पैसे के लिए तो साले चमड़ी का काट लूंगा हरामी कौला। यह है गेन अपन नाम ना बताए, 500 की नोट में 21 रुपया पुरस्कार धन्यवाद पहुंचे। सुबेदार बा, तुझको साले घर साले जिंदा जाना है या साले मुर्दा? हमका जिंदा जाए के बा, तो दोबारा साले इनाम मत लाना। अब पैसा ना दे हो, किसी की बात को मत सुनना। अब पैसा के लिए जिंदा है, जेका पैसा दे कोई हमका कोपचम लिया जाए। नौकरी करना है या तुम्हें घर जाना है? नौकरी करना है। नौकरी साले छोड़ दोगे शायद तुम्हारे 20-25 साल भूखे मर जाएंगे। मेरे कहने के अनुसार काम क्या करो चाचा। आज तो मैं अपना घर छोड़ करके जा रहा हूं, लेकिन एक बात मेरे कान खोलकर सुन लो। क्या बात है बे? जिस दिन मैं वापस आऊंगा उस दिन तेरे खून से नहाऊंगा चाचा, याद रखना। आराम कर, आज हम तुम्हें छोड़ दे रहे हैं, सिर्फ घर से भगा रहे हैं। दोबारा साले यहां दिखाई दिए तो वो मार मार हुआ हराम खोर, साथ ही साथ हम साथ तेरा तेरा दोनों हाथ पर साले काट लेंगे। चले जाओ यहाँ से, याद रख मैं अपना हक लेने जरूर। हराम खोर, बड़की आई है सरव गुंडी बने। सेबेदार चाचा, अब करना क्या होगा? क्या सबसे पहले आ, मेरे साथ बहुत जीव रहा है, क्योंकि घर में
तकरार करते करते जी उब गया है। एक काम करते हैं, आओ मेरे साथ चलते हैं बियाबान जंगल में शिकार खेलेंगे। साले सियार मर गए, शिकार खेलेंगे, शाम तक वापस घर आएंगे। आओ मेरे साथ। या मेरे मालिक, जिस तरीके से दरोगा जी मेरी माँ को मार रहे थे, अगर मैं झूठा इल्जाम अपने ऊपर न लेता तो मेरे माँ को वो पुलिस वाले मार डालते। मजबूरी में आकर मैंने ऊपर अपने बाबूजी का इल्जाम लिया है, लेकिन मैं यह क्या देख रहा हूं कि मेरे घर में ताला लगा हुआ है। आखिर बात क्या है? अरे ओ गोविंदा, बहन गरिमा, अरे ओ बहन गरिमा, कहीं से आवाज नहीं आ रही है मेरे मालिक। आखिर मेरे भाई, मेरी छोटी बहन कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है? बस भैया बस, अब आपकी आवाज को यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं है मेरे भाई। क्या हुआ सुबेदार? आप आने में बहुत लेट कर दिए मेरे भैया। आपका ये जो चाचा हराम खोर गन्ने चराए खुराना है, आपके चाचा ही ने दीदी को और माँ को इस घर से भगा दिया। इस घर की नीलामी हो गई और भाभी माँ और गोविंदा भी इस घर को छोड़ के चले गए भैया। आज से इस घर में आपका दुख सुख का साथ देने वाला कोई नहीं है मेरे भाई। ना जाने कहां दर बदर की ठोकरें खाते होंगे भैया। नहीं आ भैया, मैं अपनी भाभी माँ की सौगंध खा के कहता हूँ, अपनी माँ की सौगंध खा के कहता हूँ, हराम खोर चाचा सीधा चंबल घाटी जाऊंगा सुबेदार। हाँ भैया, वहां से आऊंगा। हराम खोर चाचा का इट सीट बता दिया ना तो मेरा नाम भी ज्ञानचंद्र नहीं। भैया आप जाइए इस शहर से, इतना दूर चले जाइएगा, इतना दूर चले जाइएगा कि आप जब इस शहर में वापस आइएगा तो उस गणेश राय खुराना से बराबर का मुकाबला होने। सही कह रहा मुन्ना। आइएगा भैया, ये ज्ञान सिंह, ये ज्ञानचंद उस दिन यहाँ पर आएगा, एक ज्वाला बनकर आएगा, एक ज्वाला बनकर आएगा। ठीक है भैया, जाइए आप, बहुत दूर चले जाइएगा मेरे भाई। हर दुनिया है मुसाफिर खाना कि भाई राम, जिंदगी की कौन साथियों, मैं जानता हूं कि आप सब मुझे इस वर्दी में देखकर बड़े हैरत में होंगे कि आखिर ये वही गुलाब चंद है जो अपनी चाची को काट करके फरार था, और ये पुलिस इंस्पेक्टर कैसे बन गया। तो साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि मैं चाची का कत्ल करने के बाद, उसे इस दुनिया से खत्म करने के बाद,
सीधे बिहार चला गया और बिहार जाने के बाद मेरी मुलाकात वहां के पुलिस कमिश्नर मेहता जी से हुई। उन्होंने मेरी शिक्षा के बारे में जानना चाहा और जब मैंने अपनी शिक्षा के बारे में उनको बताया तो मेरे ऊपर बहुत खुश हुए और उन्होंने मेरी पढ़ाई से मेरी शिक्षा से खुश होकर मेरी मदद किया। और यही नहीं बल्कि उन्होंने पूरा प्रयास करके मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी दिला दिया। मैं उनका बड़ा ही एहसानमंद हूं। मेरी पहली पोस्टिंग उत्तर प्रदेश जिला गोरखपुर में हुई। काफी दिन मैं गोरखपुर में रहा और वहां से काफी दिन रहने के बाद मुझे हटा दिया गया और मेरी पोस्टिंग फिर से बांदा जिले के नवीनगढ़ थाने में हुई। साथियों, उसी नवीनगढ़ थाने का नाम बदल करके आज भवानीगढ़ रख दिया गया है। ऐसा क्यों है आप लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि इस समय मैंने सुना है कि उस इलाके में डाकू बेकसूर सिंह का आतंक फैला हुआ है। ओ मां भवानी का नाम लेता है और जिधर से निकलता है उधर जिन जिन के दरवाजे पड़ते हैं वो सब बंद हो जाते हैं। बच्चे डर के मारे सब घर में चले जाते हैं। इलाका सुनसान हो जाता है और मैं उसी इलाके में पोस्ट हुआ हूं और मैं जाऊंगा। मैं किसी से डरने वाला इंसान नहीं हूं। चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन अपने फर्ज को निभाने के लिए मैं पीछे कदम हटाने वाला नहीं हूं। इसलिए मैं चल रहा हूं अपनी ड्यूटी पर भवानीगढ़ थाने में। वहां पहुंचने के बाद तब मैं देखूंगा कि आगे का काम मुझे किस तरीके से और कैसे कब करना है। अरे हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए करेंगे।
दिन निसरत के बहुत जल्द है आने वाले, दिन निसरत के बहुत जल्द है आने वाले, सब्र से काम लो यश्क बहाने वाले। कितनी मेहनत से परिंदों ने बनाया होगा, कितनी मेहनत से परिंदों ने बनाया होगा, कुछ न सोचा हो न से बंद को जलाने वाले। अपने भाई का गला काट रहे हो सोचो, अपने भाई का गला काट रहे हो सोचो, क्या कहेंगे तुझे मखदूम जमाने वाले। वारे दुनिया वाले, इस ज्ञानचंद को क्या से क्या तूने बना दिया। एक शरीफ इंसान हुआ करता था, लेकिन ये दुनिया वाले और ये कानून मुझे आज बागी बनने के लिए मजबूर कर दिया। खैर कोई बात नहीं, हरामखोर चाचा, मैं बहुत जल्द तुम्हारे घर पे आ रहा हूं। अगर सामना पड़ गया बेटा, इस बंदूक की दोनों को दोनों गोली अगर तुम्हारे खोपड़ी में उतार दिया तो मेरा नाम डाकू बेकसूर सिंह नहीं। सरदार जी, तो आज हम लोग का प्लान कहां पे चलने का है सरदार जी? सूबेदार, सरदार जी अब हम लोग चलेंगे भवानीगढ़। जी सरदार जी, क्योंकि मेरे जहन में एक बात हमेशा ज्वाला बनकर फूट रहा है, वो कौन कि मेरे बाबूजी का कातिल कौन है। ठीक है सरदार जी, अगर आपकी यही इच्छा है तो आइए चलते हैं भवानीगढ़ गांव में और पता लगाते हैं कि आपके पिताजी का कातिल कौन है। अगर वो हरामखोर मिल जाएगा तो उसे दौड़ा करके गोली। आओ चलते हैं। आइए सरदार जी चलते हैं। समय कितना भी नाजुक है, जमाना याद आता है। समय कितना भी नाजुक है, जमाना याद आता है। महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। भवानीगढ़